क्या कह रहे हैं, विशेष उत्तक अंग या अवरुद्ध में मिलने वाली सभी हजारों जीन व प्रोटीन का अध्ययन क्या हुआ, आसान हुआ। विशेष उत्तक, उत्तक मतलब हो गया एक ही संरचना और एक ही कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह में क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। और उसके बाद आता है अवरुद्ध, क्या आता है अवरुद्ध को कहा जाता है इंग्लिश में ट्यूमर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हाँ जब कोशिका गांठ के रूप में बन जाती है ना, या अनियंत्रित तरीके से कोशिकाएं क्या होती हैं विभाजित होती हैं तो कैंसर का रूप धारण कर लेता है। और जब कैंसर होता है तो ट्यूमर फॉर्म होता है, कोशिका गांठ बन जाता है। उन समय किस प्रकार से बदलाव आते हैं, किस किस प्रकार के प्रोटीन व किस किस प्रकार के जीन पाए जाते हैं, उन सभी का अध्ययन क्या हुआ, जब ह्यूमन जीनोम आया तो क्या हो गया, काफी आसान हो गया। फिर कह रहा है इससे प्राप्त जानकारी द्वारा जीवन के रसायन को जैसे जीन की संख्या, प्रोटीन के कार्य को क्या किया जा सकता है, पता मतलब कितनी जीन की संख्या होती है, हाँ बताइए तो मान इन सभी को क्या कर सकते पता लगाया जाता, बताइए मानव शरीर में मानव डीएनए में जीनों की संख्या कितनी होती है, जीन की संख्या कितनी होती है, कितना 25 से 30 हजार, अल्टीमेटली कितना था 80 से 1,40,000। हाँ मानव से गर्ल से बताइए मानव शरीर का सबसे बड़ा जीन कौन सा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा जीन किसे कहा जाता है, डिस्ट्रॉफिन। इसमें कितने ये पाए जाते हैं बताइए, मानव शरीर का सबसे बड़ा जीन क्या है, लिखिए जीनोम भी लिख लीजिए ठीक है, डैश देखिए लिख लीजिए, लिखिए जीनोम लिख लो नीचे, जीनोम किसी जीव की लिखे, जीनोम किसी जीव की कैसे काम कर रहा है बोर्ड आज, अनुवांशिक जानकारी का अनुवांशिक जानकारी का पूरा समुच्चय होता है, समुच्चय होता है उसे हम जीनोम कहते हैं। थोड़ा कृष्णा को देखिए तो कहां है, समझ गया जीनोम क्या होता है, लिखिए मानव जीनोम का कार्य प्रणाली, लिखिए मानव जीनोम का कार्य प्रणाली, लिखिए इस विधि में दो तरीकों का उपयोग किया जाता है,
पहला लिखिएगा व्यक्त अनुक्रम, व्यक्त अनुक्रम गुंडी एक्सप्रेस ई एक्स पी आर ई डबल एस ई डी एक्सप्रेस सीक्वेंस एस ई क्यू यू ई एन सी सीक्वेंस टैग्स टी ए जी एस, इसे कहते हैं ई एस टी एस व्यक्त अनुक्रम घुंडी, लिखिए ना एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स ई एस टी एस। दूसरा लिखिएगा अनुक्रम टिप्पण, सीक्वेंस नहीं लिखो, नहीं लिख सीक्वेंस एनोटेशन। हाँ कौन सा ये अनुक्रम टिप्पण लिखा सीक्वेंस एनोटेशन, टिप्पण लिखिए ना ये घुंडी लिखे है, घुंडी होता है घुंडी। लेकिन इस विधि के द्वारा इस विधि के द्वारा उन सभी जीनों की पहचान करना जो आरएनए में दूसरा लिखिए अनुक्रम टिप्पण, कहाँ पे अनुक्रमण लिख बात
इस विधि के द्वारा उन सभी जीनों की पहचान करना जो आरएनए के रूप में व्यक्त हैं। कोडिंग एंड नॉन कोडिंग लिखिए लिख लिया ये कल चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल क्या है कितना पागल करता है। निर्धारित करना है, निर्धारित करना होगा। हाँ देखो क्या है, जीन में मिलने वाले सभी जीनों के व्यक्तित्व और अव्यक्तित्व सीक्वेंस की जानकारी प्राप्त हो उसे कार्य क्या करना, निर्धारित करना। लिख ही रहो जगह पर लिखा तू लिखा ही कति कर चली लॉक चेंज कर चली
न्याय कार्य प्रणाली। नहीं कल हो जाएगा, ठीक है वो भी बता देते हैं। मान लिया कार्य प्रणाली यार। देखो समझो, अब तो क्या कह रहे हैं, मानव जीनोम का कार्य प्रणाली। देखिए इस विधि में दो तरीकों का उपयोग किया जाता है, कितने का किया जाता है, दो तरीकों का। पहला होता है व्यक्त अनुक्रम घुंडी। क्या होता है? व्यक्त अनुक्रम घुंडी, इसे शॉर्ट टर्म में ESTS कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ESTS से डिनोट किया जाता है, एक्सप्रेस सिक्वेंस टैग से क्या किया जाता है, इसे डिनोट किया जाता है। देखिए अनुक्रम टिप्पण क्या होता है, और दूसरा होता है अनुक्रम टिप्पण, इसे कहते हैं सिक्वेंस एनोटेशन। क्या कहा जाता है? सिक्वेंस एनोटेशन कहा जाता है। पहला है देखिए व्यक्त अनुक्रम घुंडी। देखिए इस विधि के द्वारा उन सभी जीनों की पहचान करना जो आरएनए के रूप में क्या होता है, व्यक्त होता है, जो आरएनए के रूप में क्या है दर्शाया गया, उस सभी को क्या करना है, प्रयोग करना। देखिए पहले मान लीजिए क्या हो गया, एक सेल हो गया, क्या हो गया सेल, कोशिका हो गया, कोशिका के केंद्रक के अंदर में क्या पाए जाते हैं, अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, जिसे आप गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहां सेल से क्या लिया, केंद्रक से गुणसूत्र क्या कर लिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा, और निकालने के बाद जब गुणसूत्र निकाल लिया तो फिर से कंप्यूटर के अंदर क्या कर दिया जाता है, कोडिंग कर दिया जाता है। अगर आप इसे कॉपी में चाहेंगे हम लिखें, कॉपी में क्या करें, कोडिंग करें, तो 1000 पेज वाला कितना बन जाएगा, 3300 बुक क्या होगा बनेगा। इसलिए से किस में क्या आता है, कंप्यूटर में ये काफी महंगी प्रणाली होती है। क्या होती है? काफी महंगी प्रणाली होती है। व्यक्त अनुक्रम घुंडी देखिए इस विधि के द्वारा उन सभी जीनों की पहचान करना जो किसके रूप में पाया जाता है, आरएनए के रूप में क्या किया जाता है, व्यक्त होता है, आरएनए के रूप में पाया जाता है। फिर दूसरा है अनुक्रम टिप्पण। क्या है? अनुक्रम टिप्पण, इसे कहते हैं सीक्वेंस एनोटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीक्वेंस एनोटेशन के नाम से जाना जाता है। देखिए जीन में मिलने वाले सभी जीनोम के व्यक्तित्व को, आज जीनोम क्या होता है, जीनोम किसे कहते हैं, हाँ जीनोम किसे कहते हैं, देखो जीनोम क्या कहलाएगा, किसी जीव के अनुवांशिक जानकारी का पूरा समुच्चय, जो पूरा कंप्लीट आपको क्या कर दे, एक डीएनए के बारे में या एक व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी उसके अनुवांशिक चीजों के बारे में क्या कर दे, बता दे, तो क्या कहलाएगा, जीनोम कहलाएगा। चलो तुम बताओ, बोलो, हाँ बोलो बोलो ना, कोई बात नहीं। देखिए कोई क्या है, डीएनए है, उसके अंदर जो पूरा उसका कंप्लीट सीक्वेंस हो गया ना, जो भी उसका गुण है, जो उसको क्या कर देगा, व्यक्त व्यक्त कर देगा, दर्शा देगा, वो क्या कहलाएगा, जीनोम कहलाएगा। किस में, हैप्लॉइड में या डिप्लॉइड में, हैप्लॉइड में या डिप्लॉइड में, हैप्लॉइड सेल किसे कहते हैं बताइए, तो हैप्लॉइड क्या होता है, गलत से बताएं कोई, हैप्लॉइड क्या होता है, अगुणित कोशिका किसे कहते हैं, अगुणित द्विगुणित पढ़ाने वाला चीज है, बताइए अगुणित क्या होता है, द्विगुणित किसे कहते हैं, पढ़े होंगे आप लोग जनन चैप्टर में, नहीं पढ़े हैं, अगुणित और द्विगुणित, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, जिसमें गुणसूत्र की संख्या क्या रहेगा, आधा रहेगा। जैसे मान लो 46 गुणसूत्र है, कितना है 46, जब इसे दो बार भागों में बांटेंगे तो कितना बटेगा, 23 और 23। तो जब कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितना रहेगा, 23 रहेगा, तो क्या कहलाएगा, अगुणित कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंग्लिश में उसे हैप्लॉइड कहेंगे। क्या कहेंगे, तो बताइए, तो एक हैप्लॉइड कोशिका का नाम बताइए, एक हैप्लॉइड का उदाहरण दीजिए, एक हैप्लॉइड सेल का उदाहरण दीजिए जिसमें गुणसूत्र की संख्या कितना रहेगा, 23 रहेगा। हाँ तो किस स्टेज में, फर्टिलाइजेशन से पहले वो क्या रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा। तो बताइए ओवम में गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगा, आप बताइए, ओवम होता है ना अंडाणु, अंडाणु में गुणसूत्र का संख्या कितना होगा,
23 वो हैप्लॉइड कहलाएगा या डिप्लॉइड कहलाएगा? हैप्लॉइड हिंदी में क्या कहलाएगा? ऑर्गुनेट। अब देखो जब मान लीजिए, देखिए ये हो गया शुक्राणु, ये हो गया अंडाल, ठीक है, तो इसमें होता है 23 और इसमें क्या होता है 23। तो जब ये दोनों अलग अलग है, क्या है, एक दूसरे से नहीं मिला है, तो ये अगुणित कोशिका कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो क्या कहेंगे, वह कोशिकाएं हाँ जिसमें गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, आधी होती है, और जैसे ही दोनों मिल गया, निषेचन की प्रक्रिया हो गया, तो दोनों का इसका भी गुणसूत्र जुड़ जाएगा और इसका भी जुड़ जाएगा, तब गुणसूत्र कितना हो गया, तो ये द्विगुणित कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विगुणित, या हैप्लॉइड के नाम से जाना जाएगा। देखिए तो कह रहा है अनुक्रम, देखिए जीनोम में मिलने वाले सभी जीनोम का व्यक्तित्व अव्यक्तित्व, मतलब हो गया कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस की जानकारी प्राप्त, उसे कार्य वृद्धि को क्या करना, निर्धारित करना, क्या कहलाएगा, अनुक्रम टिप्पण के नाम से जाना जाता है।